सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? सेंसिटिविटी जितनी जल्दी गैल्वेनोमीटर रिस्पॉन्स करता है करंट की एक्टिविटी को, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। और मोस्ट ऑफ दी जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं? जब उनके अंदर से करंट पास करती है, वो ऑसिलेट करते हैं, वो मूव करते हैं, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने के बाद वो रुकते रुकते ऑसिलेट करते रहते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद वो रुकते हैं। ये जो ऑसिलेशंस होती हैं ये मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इन ऑसिलेशंस को हम कम कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड एडी करंट्स। वो हम देखेंगे क्या होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है जिसके अंदर जो ऑसिलेशंस हैं वो प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नहीं होती। जब करंट पास करता है तो फौरन से गैल्वेनोमीटर आता है और अपनी पोजीशन पर रुक जाता है। जब करंट को ख़त्म किया जाता है तो ये अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ जाता है और रुक जाता है, ऑसिलेट नहीं करता। ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मे ऑसिलेट अबाउट मेन पोजीशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, सो रेस्ट पे आने से पहले पहले ये गैल्वेनोमीटर जो सेंसिटिव होते हैं ये काफ़ी दफ़ा ऑसिलेट करते हैं, उसके बाद ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे आते हैं। लेकिन कुछ गैल्वेनोमीटर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं, सम गैल्वेनोमीटर्स आर सम गैल्वेनो आर डिज़ाइंड such that they come to rest very quickly after the current is stopped. Such galvanometers are called dead beat गैल्वेनोमीटर्स। अच्छा, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स को जो है वो हम किसी लॉजिक के तहत पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स जो है वो बनाया भी जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, या अगर बनाया जा सकता है तो किस बेस पे इसको बनाया जा सकता है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड पास करती है करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस, तो वो जो कॉयल है मूव करता है, रोटेट करता है। अब जब कॉयल रोटेट करता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। आपको पता है कॉयल बिल्कुल इस तरह से एरिया की तरह होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। जब ये मूव करेगा इस तरह से, इस तरह करके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा होती जाएगी विद द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और इसी तरह से इसके अंदर जिसको हम कहते हैं EMF इंड्यूस होती है। सो EMF इंड्यूस इसके अंदर होती है, और इसकी वजह से अब क्या होगा, इसके अंदर कॉयल के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। एडी करंट्स क्या होती हैं? छोटे छोटे सर्कुलर करंट की कॉयल्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये लोकलाइज होती हैं। यानी अगर कॉयल जो है वो अगर उसको हम इस तरह से बनाते हैं, और कॉयल का छोटा सा कोई एरिया जिसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, इसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, और ये छोटी छोटी जो सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं इनको हम नाम देते हैं एडी करंट्स का। ये एडी करंट्स और ये EMF जो होती है ये उस
कॉयल की जो मोशन है उसको अपोज़ करती है, ठीक है। तो जब ये ऑसिलेट करता है तो उसकी जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको अपोज़ करती है EMF, और ये कम से कम ऑसिलेट करता है और वेरी फास्ट वेरी क्विकली ये कम टू रेस्ट, ये जो है वो रेस्ट पोजिशन में आ जाता है। सो हाउ वी विल डिस्क्राइब इट, इट इज़ द रीज़न। रीज़न क्या है इसके पीछे व्हेन करंट पासिस? The coil moves in magnetic field B. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉयल मूव करता है और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द एरिया ऑफ द कॉयल। हेंस इंड्यूस्ड EMF and eddy currents are produced, which opposes the oscillations of गैल्वानोमीटर एंड इट कम्स टू रेस्ट वेरी क्विकली। सच अ गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड नाउन एज डेड बीट गैल्वानोमीटर। सो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, डेड बीट गैल्वानोमीटर एक ऐसा गैल्वानोमीटर है जब उसके अंदर से करंट पास करती है तो फौरन से वो इस तरह से मूव होता है और रुक जाता है, ऑसिलेट नहीं करता, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसको हम कहते हैं डेड बीट गैल्वानोमीटर।